अगर कोई रेनबो रात को निकले तो उसे क्या कहेंगे? और हमेशा टैक्सी का रंग येलो क्यों होता है? आज के वीडियो में ऐसे गजब फैक्ट सुनने को मिलेंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 7। अगर आप पूरी दुनिया का कोना कोना घूमना चाहते हैं, यानी हर एक जगह, तो ये सुनो, ऑस्ट्रेलिया में करीबन 10,000 से ज़्यादा बीच हैं। जो आप हर रोज एक बीच को घूमोगे तो करीबन आपको 27 साल लग जाएंगे सारे बीच को पूरा देखने के लिए। तो अगर दुनिया का हर एक कोना हर रोज़ देखोगे तो कितना टाइम लगेगा, ये आप अपनी मर्जी से कमेंट बॉक्स में बताइए। फैक्ट नंबर 6। हमारे शरीर में लगभग हर एक पार्ट एज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, और नाक और कान पूरी जिंदगी भर थोड़ी अपने साइज बदलते रहते हैं, पर आँखों का साइज और शेप जैसा आपका बचपन में रहेगा वही जाके आपका मृत्यु तक रहेगा, यानी पूरी जिंदगी भर आँखों का साइज कभी चेंज नहीं होता। फैक्ट नंबर 5। शांत रहना और मेडिटेशन करना आखिर किसे पसंद नहीं, लेकिन आजकल की ये नॉइस पॉल्यूशन ऐसा बढ़ गया है जो हमको कोई काम चैन से करने नहीं देता। लेकिन मैं आपको एक प्लेस बताता हूँ जहाँ पर दुनिया का सबसे साइलेंट और क्वाइटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है, वो है मलिकसोटा के ऑफील्ड प्रयोगशाला में। अगर आप कोई यहाँ पर बुक लेके जाएं और उसके पेज को टर्न करें, इतनी ज़ोर से आवाज़ आएगी जैसे कि कोई चिल्ला रहा है। फैक्ट नंबर 4। आप अपनी स्क्रीन पे जो ये पिक्चर देख सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? बहुत लोगों का जवाब होगा ये इंद्रधनुष है, लेकिन ये भाई रेनबो नहीं है। आप इस पिक्चर को गौर से देखो, ये नाइट में ली गई है, तो इसको रेनबो तो नहीं कहा जाएगा। आप देखो क्या कहा जाएगा, मैं बताता हूँ भाई इसे क्या कहा जाएगा। इसे कहा जाएगा मूनबो, क्योंकि जब भी रात में चंद्रमा की किरणें रेनबो में पड़ती हैं तभी रेनबो ग्लो करता है मून की रे से, इसलिए इसे मूनबो कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है ये वाली, वो होती है 60-100 बीट पर मिनट, पर हमिंग बर्ड के पास 1200 बीट पर मिनट होती है। फैक्ट नंबर 2। ह्यूमन के पास 5 सेंस होते हैं, उसमें से एक स्मेल का है, सूंघने की शक्ति। हर एक इंसान के पास 1 trillion टाइप ऑफ स्मेल सूंघने की क्षमता है। फैक्ट नंबर 1। टैक्सी का येलो कलर क्यों होता है? वैसे टैक्सी तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें येलो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी सबसे ज़्यादा परसेंटेज है। और ये क्यों होती है, इसके लिए हमको इसकी हिस्ट्री में जानना पड़ेगा। तो चलते हैं 1907 में। एल्बर्ट रॉकवेल की एक कंपनी थी, उसमें उन्होंने टैक्सी का कलर रखा था येलो, क्योंकि उनकी पत्नी को येलो कलर पसंद था और बाकी टैक्सियों के अकॉर्डिंग येलो सबसे ज़्यादा ब्राइट और शाइनिंग लगता था और अट्रैक्शन भी बढ़ाता था। फिर इसके कुछ साल बाद एक सेल्समैन थे जॉन्स हैजरेट, उनने अपने टैक्सी बिजनेस के लिए येलो कलर चूज़ किया बिकॉज ऑफ साइंस, क्योंकि येलो कलर अट्रैक्शन बढ़ाता था और येलो कलर एक सिंबल भी बन सकता था टैक्सी का। उसके बाद शिकागो यूनिवर्सिटी ने येलो कलर को ही चुना, और उसके बाद अमेरिका के बाद बहुत सारी कंट्रियों ने अमेरिका को देखकर अपने अपने टैक्सियों का कलर येलो किया, और आज के दिन ऑलमोस्ट 60% टैक्सी येलो कलर में ही है।